ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 28। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठः नैष्कृतिकः अलसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी, अन्यों को अपमान करने में पटु, आलसी है, सदैव खिन्न रहता है तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो ये कर्ता के बारे में बता रहे हैं जो तमोगुणी है। तमोगुण जो है सबसे अधम गुण माना जाता है, टोटल अज्ञानता, इग्नोरेंस, इसलिए मोड ऑफ इग्नोरेंस इसका नाम है, जिसमें अज्ञानता प्रधान है। और अज्ञानता में आप जानते हैं कि कोई कार्य सही कभी हो ही नहीं सकता है। ये ऐसी अज्ञानता है, जैसा कि पहली लाइन में बताया, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है। अब शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध वो क्यों कार्य करता है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो शास्त्रों को जानता ही नहीं है, हाँ, इसलिए उसके विरुद्ध कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जानकारी मिलने पर वो रजो और तमोगुण में क्रमशः आ सकता है। लेकिन कुछ लोग इतने तमोगुण में अधम होते हैं, जैसे कि बाद में भी इनके कुछ गुण बता रहे हैं, हठी इत्यादि, ये शास्त्रों को जानने और सुनने के बाद भी उसका उल्टा करना चाहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता है। बल्कि कई बार आप ऐसे लोगों को देखेंगे, अगर आपने इनको गलती से कुछ बता दिया तो ये जानबूझ के उसका उल्टा करेंगे। आप बोलोगे कि भगवान की तस्वीर कितनी इम्पॉर्टेंट है, भाव जगते हैं, तो ये जाएंगे तस्वीर को पटक के तोड़ देंगे। ऐसे कई तमोगुणी हुए जिन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया, आप जानते ही हैं, हाँ। तो ये जानबूझ के उल्टा काम करने के लिए ये दिखाएंगे, दिलाओ अपने भगवान को, अगर वो बचा सकता है अपने आप को तो दिखाए। इस तरह के इनके चैलेंज ये लोग करते हैं जानबूझ के। आप कहेंगे कि एकादशी के दिन ऐसे नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, जानबूझ के उस दिन जानबूझ के खाएंगे कि मैं तो खाऊंगा, मुझे तो बना के दो। तो इस तरह के लोग, ये किसका नेचर बता रहे हैं, ये तमोगुणी व्यक्ति है कि जानबूझ के शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको बोला जाए ये मत करो, मैं तो करूँगा, तो कई बार उल्टा बोला जाता है, आप ये मत खाना, वो कहेगा मैं तो खाऊँगा। हाँ, तो वैसे खाना नहीं खाता था ना, आप ये परांठा मत खाना, नहीं मैं तो खाऊंगा, तो खा ले फिर, बढ़िया है। उल्टा काम करने वाले मिलते हैं ना हमें, बहुत सारे बच्चे और बच्चे बड़े बड़े होके कई बार वैसे ही उनका नेचर बन जाता है, उनको जो बोलो करने को उसको नहीं करेंगे, जो बोलो नहीं करने को उसको करेंगे। तो ऐसा करता कौन है, ये तमोगुणी है। उसके बता रहे भौतिकतावादी है। भौतिकतावादी आप जानते हैं, मेटलिस्टिक पर्सन, यानी कि उसका विचार सारे भौतिकता, उसको भौतिकता के ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। लाइफ इज लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ इज नथिंग, शून्य, कुछ नहीं है। जो जीना है यहाँ, स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ, पिक्चर भी बना दी लोगों ने, स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ, इसके आगे जाना कहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, बस यही है, इसी में प्यार कर ले, प्यार कर ले, प्यार कर ले। तो बहुत सारे ऐसे विचार लोगों ने बना दिए हैं कि यही जीवन है, ये स्वर्ग, ये नर्क, ये वैकुंठ, ये सब डराने की वस्तुएं हैं, आदमी को डराने के। देखो आप जानते हैं ना, जब आदमी डरता था, अज्ञानी था, आदिवासी था, तो आग से डर के उसको भगवान मानता था। आजकल ये लोग किसी का नाम लेके भगवान मानते हैं, कोई फर्क नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक नो गॉड। जो चीज़ हमें नहीं पता है, हम उससे डर के उसको भगवान मान रहे हैं, बस कुछ नहीं है। साइंस विल रिवील एवरीथिंग वन डे, हाँ, और तब समझ में आ जाएगा कि कोई भगवान भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह के विचार, भौतिकतावादी विचार इसको कहते हैं, वेयर देर इज़ नो सुपीरियर अथॉरिटी, नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिसको हमें सर्व करना है, जिसको हमें शरणागत होना है, वी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। और ये शास्त्र, ये भगवान हमारी इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। ऐसे विचार वाला व्यक्ति तमोगुणी है, भौतिकतावादी विचार इसको कहते हैं। उसके बाद हटी है। अब जैसे हम में से कई सारे भाई बहन गलत रास्ते पे थे, शास्त्रों को जानते ही नहीं थे, पता ही नहीं था करना क्या है, तो कुछ कुछ कर रहे थे इधर से सुन के, किसी को देख कर, लेकिन जैसे ही हमें भक्त मिले, गुरु मिले, गाइड मिले, तो हमने उनके कहे अनुसार अपने पुराने तरीकों को छोड़ दिया और नए तरीकों को अपना लिया। वो है इंटेलिजेंट पर्सन,
फ्लेक्सिबल पर्सन, जिसको जैसे ही पता चला सही क्या है उसने सही रास्ते, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि उसने सारे रास्ते अपना लिए, किसी ने बताया इधर चलो, फिर अगले दिन किसी ने बताया इधर चलो, उसने देखा समझा कि छात्रों से व्हाट इज़ द बेस्ट वे, और उस बेस्ट वे पे फिर अपने आप को डिटर्मिनेशन से चला। हाँ ये तो होता है इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन कुछ लोग होते हैं हठी, वो बदलना ही नहीं, उनको समझ में आता है कि ये गलत है, हाँ फिर भी वो उसको मानते नहीं, क्योंकि अपने मत को छोड़ देंगे तो हार जाएंगे एंड दे डोंट वॉन्ट टू लूज, इसलिए वो उस बात पर अड़े ही रहते हैं, चाहे उनको आप लॉजिक दे दीजिए, चाहे उनको समझा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो नहीं मानेंगे, तो उसको कहते हैं हठी, ज़िद्दी, वो मानता नहीं है, क्योंकि ज़िद्द अहंकार के वश होती है, ज़िद्द होती है, नाक का सवाल बना लेता है आदमी उसको, अपनी इज्जत का सवाल बना लेता है इसको, उसको उसको बैटल को हारना नहीं चाहता है, इसलिए ज़िद्दी बन जाता है, चाहे वो कुछ नहीं है तो अंत में गाली गलौज देके निकल लेगा। होता ना जैसे पड़ोस में लड़ाइयाँ होती हैं, पहले कुछ बहस बात लॉजिकल होती है, तुमने ऐसे किया, तुमने क्या किया, बढ़ती चली बढ़ती, तेरी तो फिर हाँ कुछ जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर कुछ ऐसी आवाज़ें निकलती हैं, तो हटी, लॉजिक ख़त्म हो गए, अस्त्र ख़त्म हो गए, तो फिर हाथ पैर चलने लगे, गाली गलौज चलने लगी, तो हटी व्यक्ति को कैसे समझा सकते हो आप? तो तमोगुणी व्यक्ति है जो हटी है, जो अपने सो कॉल्ड विचारों पर बिल्कुल चिपका हुआ है, उसको आप बता, कितने लोग मिलते हैं ऐसे, बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं एक्चुअली में, उनके पास कोई जवाब नहीं है आपकी बातों का, कई लोग होते हैं अच्छा अच्छा आपका क्या विचार है, अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है, लेकिन ये कैसे, अच्छा ये बताइए ये कैसे, है ना, तो प्रश्नोत्तर होते हैं, उसको समझ में आता, अगर समझ में आ जाता है तो वो अपने आप को परिवर्तित करता है और नया रास्ता अपनाता है, दिस इज़ द बेस्ट वे, व्हाटएवर आई वाज डूइंग वो बेस्ट वे नहीं था, लेकिन हटी व्यक्ति उसके बाद जवाब चाहे ख़त्म हो जाए लेकिन वो उस रास्ते को नहीं छोड़ेगा, आप अव्वल दर्जे का मूर्ख कहना चाहिए उसको। उसके बाद कपटी है, कपटी तो है ही, क्योंकि हटी है ना, अपने अहंकार के कारण चिपका हुआ है, इसलिए झूठ बोलेगा, कुछ भी करेगा अपने को सही साबित करने के लिए, वो किसी भी हद पर गिर जाएगा। ये सब मूर्खता के लक्षण है एक्चुअली में, इससे व्यक्ति किसी और का नहीं अपना ही नुकसान करता है, और क्या करता है, ऐसा व्यक्ति उसी स्थिति में पड़ा रहता है, लोग उसके सामने से कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, वो अपनी उसी तमोगुणी दरिद्र अवस्था में पड़ा ही रहता है, हाँ कपटी है, हमेशा झूठ बोलता है, उसके नेचर में झूठ है, फरेब है, आलस है, अन्यों को अपमानित करने में पटु है, जैसा अभी ये सब देखिए ना, ये सारी चीज़ें अभी तक बता रहे हैं, ये लिंक नहीं है, एक वही है, वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, इसके दिमाग में विचार भौतिकतावादी हैं, भगवान शास्त्र गुरु किसी को मानता नहीं है, जीवन के बाद जीवन को मानता नहीं है, हटी है इसी विचार पर, कोई उसको आके समझाता भी है, देखिए जी भगवान है, लॉजिकली समझने का प्रयास कीजिए, देखिए सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया, शरीर किसने बनाया, ये वो सारी चीज़ें किसने बनाई, लेकिन वो नहीं मानेगा, नहीं नहीं नहीं, कोई जवाब नहीं है उसके बाद, और इसलिए कपटी है, कुछ कुछ बेमतलब की बातें करेगा, अपमानित करेगा आपको, आपको कहीं ना कहीं किसी और बात पर पटक के मारेगा, आपका मजाक उड़ाने का कोशिश करेगा, क्योंकि आपने उसको कहीं ना कहीं उसके विचारों को हिला के रख दिया, उसको गलत साबित कर दिया, अब वो आपसे बदला लेगा, आपका अपमान करने का मौका ढूंढता रहेगा, आपको गलत साबित करेगा, हाँ, जैसे कि आपने सुना था ना शास्त्र में अमोघ की कहानी, चैतन्य चरितमृत में अमोघ की कहानी आती है, उसने पहले तो नॉट ओनली अमोघ, इससे बेटर रामचंद्रपुरी की बात करते हैं, अब रामचंद्रपुरी क्या करते थे, अपने घर में किसी को खाने के लिए बुलाते थे, ठीक है, अब उसका कहता था जी पेट भर गया जी धन्यवाद, नहीं 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 जी खाना पड़ेगा, जी खाना पड़ेगा, मेरे लिए खाना पड़ेगा, एक रोटी, ठीक है जी लाओ, अब उसने खा ली, किसी ने नहीं जी एक और खानी पड़ी, करते करते वो दो खा रहा था, उसको पांच खिला दी, जब उसने पांच खा ली, अरे तुम तो ओवर ईटिंग करते हो, कैसे भक्त हो तुम, यही सिखाया तुम्हारे गुरु ने, हाँ दूसरों को बोलता, अरे मेरे घर में आया था, पांच रोटी खा के चला गया, बताइए, समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं कपटी, दूसरों को अपमान करने में पटू, वो पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे और फिर आपको ही अपमानित करेंगे, किसी तरह से वो आपको गलत साबित करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो खुद तो नहीं बदल रहा है, बदलना नहीं चाहता है, और आपको अपमानित करके आपको ज़रूर नीचे खींचेगा, जैसे केकड़ा होता है, केकड़ा हम कहते हैं ना, केकड़े अगर जार के अंदर एक केकड़े रख दो सारे, तो एक केकड़ा दूसरे केकड़े को जार से बाहर नहीं निकल लेता, जैसे कोई ऊपर जाएगा उसको टांग पकड़ के नीचे कर देगा, और इस तरह से कोई भी आगे नहीं जाएगा, इस तरह के इंसान संसार में बहुत मिलते हैं, जो खुद तो ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा ऊपर उठ रहा हो तो कहने का मतलब आपको पहले गुस्सा दिलाएंगे, घर के अंदर भी मिल जाते हैं कई बार, बेमतलब की बात करेंगे, फिर कई बार आदमी को गुस्सा आ ही जाता है, वी आर प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, जैसे हमें क्रोध आ जाता है, देखो देखो देखो
यही सीख रहा है ना वहां पर, यही सीख रहा है वहां पर, यही सिखाते हैं तुम्हें, इसी बात की भक्ति करते हो तुम। आप समझ रहे होगे ना, आपके घर में भी ऐसे कई जगह एग्जाम्पल मिल गए होंगे। तो इस तरह के लोग कौन है? तमोगुणी। वो आपको उकसाएंगे पहले, बेसिकली उनका उद्देश्य आपको निम्न साबित करना है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही नजर में गिर चुके हैं, आपके दिए गए ज्ञान के द्वारा उनको इस समझ में आ गया है कि हम निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, कैसे इस बात को पलटें। दिस इज गिविंग मी ए बैड फीलिंग। कई बार क्या होता है, जो अच्छे लोग होते हैं वो इस बैड फीलिंग को फील करके इससे बाहर निकलते हैं। हाँ यार, मैं तो नीचे गिरा पड़ा हूँ, मैं तो घटिया व्यक्ति हूँ, लेट अस चेंज एवरीथिंग। लेकिन जो तमोगुणी होता है वो बदलना नहीं चाहता है, ध्यान रखिए। जैसे आपको, आप लेटे हुए हो, 1.5 दिन हो गया, 2 दिन नहाए नहीं, आपको बदबू आ रही है अपने में से, आप उठे और नहाने चले गए, बदलाव। हाँ, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति क्या किया, नाक में रुई डाल लो, हाँ, और करवट बदल लो, मुंह उधर को कर लो, ऐसे नीचे को सूंघो ही मत, अपने हाथ को ऊपर ही ऊपर मुंह रखो, परफ्यूम लगा लो, नहाने कौन जाए। सो दे डोंट वॉन्ट टू चेंज देम सेल्फ, वो उसको छुपा लेना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करता है। तो अपमान करने में पटु है, आलसी है, ये सारी चीज़ें करता ही वही है जो आलसी है, जो बदलाव नहीं लाना चाहता, दैट इज़ आलसी। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आलस एक्चुअली में दिमाग से होता है, शरीर से नहीं होता है। सदैव खिन्न रहता है, ऐसा व्यक्ति कैसे खुश रहेगा जो तमोगुण में है, अज्ञान में है? वो व्यक्ति कभी प्रसन्नचित रह ही नहीं सकता है। अज्ञानी व्यक्ति कैसे प्रसन्न रहता है, रह सकता है? इसलिए सदैव खिन्न रहता है, परेशान रहता है, तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है। ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया शब्द है, दीर्घ सूत्री। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। हाँ, इस तरह का जो इसके विचार है, अभी तो जीवन में पड़े हैं बरसों, करना ही क्यों है? दीर्घ सूत्री, आप उसको बोलोगे ये कर दोगे, 5 मिनट करता हूँ, हाँ रख दो, कर लूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, डोंट वरी। अरे 5 मिनट हो गए भैया, करो ना, अब करता हूँ ना, कर लूंगा ना, मैंने बोल दिया ना मैं कर लूंगा, अभी जा रहा हूँ ना, रख दो, मैं कर लूंगा। 10 मिनट हो गए, अरे करता हूँ भैया मैं, करता था, छोड़ मैं ही कर लेता, मैंने तो कहा था मैं कर लूंगा, अब कर लो तो, मैं करना था। दीर्घ सूत्री, करा नहीं सकते आप उससे, आप दिमाग सर फोड़ दोगे दीवार में, उसके बाद कहना ही बंद कर दोगे ऐसे व्यक्ति को, काम करेगा नहीं, उसको हिलेगा नहीं वहां से, वो मना भी नहीं करेगा। मना भी कर देना तो भी समझ में आए, मना भी नहीं करा, 5 मिनट, हाँ चलो वहाँ जॉब पे जाना है, 5 मिनट में जाता हूँ, चला जाऊँगा। हाँ, जैसे मैंने एक बार आपको एग्जाम्पल बताया था ना, कि पहले बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, फिर अचानक से भागेगा, हबड़ा 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 हबड़ा, पहले ऑफिस से लेट निकलेगा, लेट निकलेगा, 5 मिनट पहले लगने वाला है वो रेड, लगने वाला है रेड लाइट, लग गई है, रेड लाइट को जंप करेगा, या रेलवे लाइन को निकल के भागने की कोशिश करेगा, और पहले बैठा रहेगा। अनप्लैंड, टोटली अनप्लैंड, अनप्रिडिक्टेबल, बिल्कुल क्या बोलें इस आदमी के बारे में। हाँ, इसलिए वो दीर्घ सूत्री है, कोई काम करना नहीं चाहता, इसलिए उस व्यक्ति को भक्ति में जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भक्ति में क्रियाशीलता चाहिए, एक्टिवनेस चाहिए। ये तमोगुणी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते, वो दीर्घ सूत्री है, कोई काम आपसे करा नहीं सकते, वह तमोगुणी कहलाता है। कहीं हम ऐसे कर्ता ना बन जाए, ये शास्त्रों के विरुद्ध चले, हमारे विचार भौतिकतावादी हों, हम बड़े हठी हों, जिद्दी हों, अपने को बदलना ना चाहते हों, कपटी, दूसरों का अपमान करने वाले, आलसी, सदैव दुखी, चिड़चिड़े, काम करने में दीर्घ सूत्री, वह तमोगुणी कर्ता कहलाता है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।